वेलकम टू इमेच्योर डिजाइनर। आज हम लोग हिंदी में बात करने वाले हैं क्योंकि बात होने वाली है लंदन की। यस दोस्तों, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर एन इंटर्नशिप इन लंदन। एंड ये कैसे हुआ? एज अ यूएक्स यूआई डिजाइनर हम सब लोग सोचते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इंटर्नशिप्स बिकॉज अभी ये वाला फील्ड उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है। सो हाउ डिड आई मेक इट पॉसिबल? सो मैं अपना स्टोरी सुनाती हूँ। इट हैज़ बीन ओनली 3 years जब से मैं यूएक्स यूआई डिज़ाइन कर रही हूँ एंड अलॉन्ग विथ माई कॉलेज आई एम डूइंग इट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई डिड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रेजेंस। आप लोग को अपना प्रेजेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, नॉट लाइक ट्विटर और एनी अदर थिंग्स जहाँ पे लोग उतना नहीं ढूंढते हैं जॉब के लिए। प्लेसेस लाइक लिंक्डइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिज़ाइनर्स, बेहांस इज इम्पॉर्टेंट, इंस्टाग्राम एंड ऑब्वियसली एक पर्सनल वेबसाइट इज इम्पॉर्टेंट। सो वॉट वॉज माई पाथ, मैंने क्या किया था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक श्योर कि एज अ डिज़ाइनर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारा एक पोर्टफोलियो हो। UX UI डिज़ाइन का एक पोर्टफोलियो रखो एंड मेक दैट पोर्टफोलियो विद द हेल्प ऑफ लाइक शोकेस योर पोर्टफोलियो विद द हेल्प ऑफ अ वेबसाइट। सो क्रिएट योर ओन वेबसाइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक खुद का पर्सनल वेबसाइट बनाया था जो कि मैंने खुद से कोड किया था। ऑब्वियसली UX UI डिज़ाइनर्स या प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स, वी डोंट नीड टू नो कोडिंग। HTML, CSS, JavaScript ये ईजी लैंग्वेजेस होते हैं एंड इसका अगर बेसिक नॉलेज भी हो तो यू कैन ईजिली क्रिएट अ वेबसाइट। मैंने ये तीनों लैंग्वेजेस से अपना वेबसाइट सिर्फ ऑलमोस्ट 2 weeks में बना लिया था और मुझे ये तीनों लैंग्वेजेस सीखने में सिर्फ अराउंड आई थिंक 1.5 months लगे थे। अराउंड 1 to 1.5 months लगे थे मुझे 1 to 1.5 टू लर्न दीज 3 languages, जिसके हेल्प से सबसे पहले मैंने सोचा कि आई क्रिएटेड अ वेबसाइट जो कि एक प्रोजेक्ट की तरह मैंने शोकेस किया। बट देन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद का एक पर्सनल वेबसाइट बनाऊँ। ऑब्वियसली ये बहुत हेक्टिक था मेरे लिए क्योंकि पहले से ही मैंने अपने सारे यूएक्स यूआई प्रोजेक्ट्स को अच्छे से सारे एक एक प्रोजेक्ट का अपना अपना PDF बनाया था। हर एक प्रोजेक्ट एक पोर्टफोलियो की तरह था। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट शोकेस करने में इतना मेहनत कर दिया था कि मुझे लगा कि पर्सनल वेबसाइट क्यों बनाएं। बट पर्सनल वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा काम का है, उसको देखते ही, बिकॉज वो आप कस्टमाइज़ करते हो, आप कैसे शोकेस करना चाहते हो खुद को। एंड एज अ यूएक्स यूआई डिज़ाइनर आप खुद का वेबसाइट डिज़ाइन करना इज़ जस्ट अ वेरी एक्साइटिंग टास्क। और फिर मैंने वही किया, आई डिज़ाइन माई वेबसाइट एंड देन आई कोडेड इट। जो मैंने सीखा उसी से मैंने कोड किया। अराउंड 2 weeks मैंने कोड कर लिया, 2 weeks से भी कम में मैंने कोड कर लिया एंड मेरे पर्सनल वेबसाइट को लॉन्च किया। देर आर वेरियस फ्री वेबसाइट जहाँ से आप वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो आराम से। मैंने भी वही किया, आराम से लॉन्च किया एंड अभी 3 months ही हुआ है एंड आई गॉट एन इंटर्नशिप एंड दे एक्चुअली वेंट थ्रू माई पर्सनल वेबसाइट बिकॉज व्हाइल द इंटरव्यू दे टॉक्ड अबाउट इट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले तो अपना एक पर्सनल वेबसाइट बना लो जिसमें कि आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स शोकेस करो। नाउ सारे का मतलब है सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मेक श्योर कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो आप शोकेस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स हों। आपने 10 प्रोजेक्ट किया है, 5 प्रोजेक्ट किया है, लेकिन अगर आपका सिर्फ 3 प्रोजेक्ट है या 4 प्रोजेक्ट है जो बेस्ट है तो सिर्फ वही शोकेस करो अपने पर्सनल वेबसाइट पर। आप बहुत सारे वेबसाइट है जैसे बेहांस पे आपका अकाउंट होगा तो वहाँ पे आपने सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स डाल दो, लेकिन अपना पर्सनल वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ बेस्ट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, बेस्ट ही प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पर्सनल वेबसाइट पर एक पैराग्राफ अपने बारे में लिख दो और सारे जितने भी तुम्हारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस सारे के लिंक्स डाल दो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट अबाउट यू कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कितने साल का है। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट टू लिंक ऑल द प्लेटफॉर्म्स लाइक बेहांस का लिंक डाल दो अपने वेबसाइट पर, लिंक्डइन का लिंक डाल दो, जो भी इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो फॉर्मल जहाँ पर आप रहते हो उसे डाल दो। एंड देन आप फिर अपना लिंक सारे को कर दो अपने वेबसाइट पर और सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स डालो। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वेबसाइट पर अपना रिज्यूमे भी डालो।
अपना रिज्यूमे भी अपने इस पर्सनल वेबसाइट पर लिंक कर दो। आपके पर्सनल वेबसाइट से कोई भी रिक्रूटर सब कुछ देख पाए। मेक योर वेबसाइट लाइक दैट। ऑब्वियसली आप एक वेबसाइट डिजाइनर हो तो यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट हैपन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लिंक्डइन। जैसे अभी मैं बोल रही थी, लिंक्डइन पर मेरे 450 प्लस ही कनेक्शंस हैं। बहुत लोगों का 500 प्लस कनेक्शंस होता है, पता नहीं 500 प्लस कितना हो जाता है, बट अभी तक मेरा लिंक्डइन पर 500 प्लस कनेक्शंस नहीं पहुँचा है। स्टिल आई गेन दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक्डइन पर UX/UI एज UX/UI डिजाइनर्स सिर्फ और सिर्फ अपने जान पहचान के लोग, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज के लोगों को मत फॉलो करो। कनेक्ट विद पीपल जो कि UX/UI डिज़ाइनिंग करते हैं, जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करते हैं, जो कि फेमस फेमस और बड़े बड़े कंपनीज में हैं, जो कि अच्छे अच्छे कंपनीज में हैं, उनको उनसे कनेक्ट करो। ज़्यादा लोगों को फॉलो करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस रखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है लोगों से कनेक्ट करना। जो लोग आपसे बात करेंगे, आपको उम्मीद है, तो जो लोग हायर करते हैं, HR हो गए, HR से मैंने कम ही कनेक्ट किया है, बट जस्ट कनेक्ट विथ मोस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स एंड UX/UI डिज़ाइनर्स, चाहे वो इंडिया के हो, इंडिया के बाहर के हो, कहीं के भी हो, जस्ट कनेक्ट विथ देम। बिकॉज बाई मिस्टेक आई कनेक्टेड विद दिस पर्सन, पता नहीं मेरे को याद भी नहीं मैंने कब कनेक्ट किया, बट ही सेड दैट थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एंड देन ही स्टार्ट टू अप्रोच। सो आई डोंट नो व्हेन आई कनेक्टेड विद दिस पर्सन, बट आई जस्ट बाई मिस्टेक कनेक्टेड विद दिस पर्सन। एंड आपको नहीं पता आपका कब किससे कनेक्ट कर जाओ और आपको कब कोई इंसान को आप जैसे डिज़ाइनर की ज़रूरत हो, तो सबसे पहले तो अपने लिंक्डइन को बिल्कुल अपडेटेड रखो। अपना सारा कोर्सेज जो आपने किया, सारे एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप्स, जितना कुछ भी है, बिल्कुल फॉर्मली बिल्कुल अच्छे से अपडेटेड रखो। मैंने लिंक्डइन पर आज तक एक सिंगल पोस्ट नहीं किया है, एक सिंगल पोस्ट नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ मैं अपना अकाउंट अपडेटेड रखती हूँ, अपने आप को, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेटेड रखती हूँ, जितना मैं इंटर्नशिप्स का सब कुछ अपडेटेड रखती हूँ। दैट्स ऑल आई डू ऑन लिंक्डइन एंड आई मेक कनेक्शंस, सो आई डू दैट ओनली। और फिर आप भी वही कीजिए, पोस्ट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कनेक्शंस बनाने इंपॉर्टेंट लिंक्डइन पर। मेक कनेक्शंस, इंपॉर्टेंट कनेक्शंस, उसके बाद फिर आप अपना जो ये पर्सनल वेबसाइट बनाओगे उसको अपने लिंक्डइन पर फीचर्ड पोस्ट में डाल दो। फीचर्ड करके कहता है लिंक्डइन पर, वहाँ पर अपना पर्सनल वेबसाइट डाल दो, सबसे ऊपर दिखाई देगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपना बेहांस का डाला हुआ है, अपना पर्सनल वेबसाइट का डाला हुआ है, तो जस्ट डू दैट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिंक्डइन को इस तरीके से बनाओ। नेक्स्ट इज बेहांस। बेहांस में अपने सारे प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट, अपने ग्राफिक डिज़ाइन किया, आपने डिजिटल आर्ट किया, आपने स्केचिंग किया, आपने 3D मॉडलिंग किया, आपने जो कुछ भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए, चाहे वो UX/UI से रिलेटेड हो या फिर नहीं, इट्स डिज़ाइनिंग, इट्स एनीथिंग, आप बेहांस पे डाल रहे हो, डालते जाओ। मेरे बेहांस पे 1K प्लस व्यूज़ हैं, इट्स अराउंड 1200 प्लस व्यूज़ आई एम हैविंग ऑन बेहांस सडनली, क्योंकि आई डिड वन प्रोजेक्ट जिसके कारण मेरा व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अचानक से बढ़ गया था। सो जस्ट कीप योर बेहांस अपडेटेड। एक महीने में एक पोस्ट करो, चाहे दो महीने में ही एक पोस्ट कर दो, पर कुछ कुछ डालते रहो धीरे धीरे बेहांस पर, एंड कीप इट अपडेटेड। और बेहांस पर डोंट मेक इट इंस्टाग्राम, हर पोस्ट अलग अलग नहीं होना चाहिए। बेहांस पर पहला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है कार्ड, मेक इट कैटेगरीज। एक पर क्लिक करने पे आपके सारे ग्राफिक डिज़ाइन के दिख जाए, एक पर क्लिक करने से आपके सारे UX/UI आपके सारे डिजिटल आर्ट के दिख जाए। UX/UI का अलग अलग से डाल सकते हो, लाइक एक प्रोजेक्ट करके डाल सकते हो, बट अदरवाइज आई एम सेइंग डोंट मेक इट कि एक डिजिटल आर्ट डाला, एक स्केचिंग डाला, फिर से एक स्केचिंग डाला, इंस्टाग्राम नहीं बनाना इसे, राइट। नेक्स्ट थिंग इज़ इंस्टाग्राम। सो मेरे इंस्टाग्राम पे 1K प्लस फॉलोअर्स हैं, ऑल्दो इंस्टाग्राम पर अभी ज़्यादा नहीं बन पाया है और उसकी तरफ से मेरे को कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं आती, बट मुझे बेहान से अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे लिंक्डइन से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं, और पर्सनल वेबसाइट के थ्रू लिटरली आई गेन दिस अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैं लंदन में इंटर्नशिप मिल सका मुझे। सो इट्स वेरी, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम पर आप बस जो भी डालते हो, छोटी मोटी चीज़ें, आप बैठे बैठे, आपको बस होता है ना, आपका हाथ बैठा रहे, आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा बना दिया तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो। बट इंस्टाग्राम भी डालते रहने से आपके देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा डिज़ाइन डेली पर बेसिस पर करते रहते हो, क्योंकि छोटे मोटे डिज़ाइन हम लोग इंस्टाग्राम पर डालते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें बिहेंस पर डालते हैं, अचीवमेंट्स लिंक्डइन पर डालते हैं, बेस्ट टू बेस्ट प्रोजेक्ट्स हम लोग पर्सनल वेबसाइट पर डालते हैं। दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस एंड इट इज़ वेरी सिंपल।
literally I'm telling 3 months I in 3 months I got this. But yeah, UX UI मैंने बहुत सारे internships I am doing it from like 2.5 years से मैं UX UI designing में हूँ and मैंने 4-5 internships किए हुए हैं. So it's important to take internships. Also it's important कि कौन से internship लेना है कौन सा नहीं लेना है इस पर भी आप सोचो. ये नहीं कि internship मिल रहा है तो करते जा रहे हो. मुझे बहुत सारे offers आए हैं लेकिन after doing 5 internships I have started declining internships. जितने भी offers आ रहे हैं startup की I am just declining it and I'm not doing it. क्योंकि after doing 4-5 internships in UX UI and product design आपको यही लगेगा कि now you have to make do something in a big company or इन अ बिग एरिया राइट. आपको अपना स्कोप बढ़ाना होता है तो 4-5 इंटर्नशिप्स आपने किए वो आपका एक्सपीरियंस दिखाता है और आपको एक्चुअली में काफ़ी एक्सपीरियंस आएगा 4-5 इंटर्नशिप्स करने से. तो 4 इंटर्नशिप्स करो बहुत काफ़ी है. उसके बाद ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना. सीखो कुछ सीखो कोडिंग सीखो नई चीज़ें सीखो बट डोंट जस्ट कीप ऑन डूइंग इंटर्नशिप एंड इंटर्नशिप के ऊपर इंटर्नशिप मिलते जा रहे हैं करते जा रहे हैं ऐसा नहीं करना. चूज़ जब आप 4 कर लोगे ना उसके बाद यू हैव द राइट टू चूज़ क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंसड हो चुके हो एंड नाउ यू आर वर्थ समथिंग. सो अपने आप को नीचा मत समझना. 3-4 इंटर्नशिप ऑफ यू एक्स वाई के बाद यू आर लिटरली हैविंग सम एक्सपीरियंस एंड पीपल आर सीकिंग फॉर दोज एक्सपीरियंसेस. सो दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू से अबाउट मेकिंग प्रेजेंस एंड मेकिंग डिसीजंस एंड दैट्स हाउ यू विल रीच योर गोल. आफ्टर ऑल दिस आई वुड लाइक टू से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द ऑरा ऑफ यू एक्स वाई डिजाइनिंग इज दैट कीप एवरीथिंग अपडेटेड. कीप योर पर्सनल वेबसाइट अपडेटेड. Keep your LinkedIn updated, very important. Keep your Behance updated and keep your Instagram doing. Keep doing Instagram because in Instagram, आप छोटे छोटे डिज़ाइन जब बनाते रहते हो ना आपका दिमाग खुलता रहता है. आप कलर के साथ खेल रहे हो कुछ भी छोटे मोटे चीज़ें करो उसको अपडेट कर दो डाल दो. बस आप डिज़ाइन को छोड़ दोगे एकदम से तो that's not, it's not working that way, right? So keep your website updated and keep everything updated. That's the most important part for designers. Just be updated. Aapko bilkul se bilkul milega opportunity, I'm telling you. And keep connecting on LinkedIn.